एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी फैमिली के साथ अच्छे होंगे। आज कई दिनों के बाद मैं आपके साथ अपना कोई व्लॉग शेयर कर रही हूँ। वैसे यहाँ वर्जीनिया में आजकल ठंड काफ़ी है। पिछले कई दिनों से 2 से 3 बार यहाँ स्नोफॉल भी हो चुका। बाकी आपके यहाँ ठंड का क्या हाल है, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। सो आज जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था 20 जनवरी के दिन। मकर संक्रांति के दिन से ही यहाँ इस बार पूरे हफ्ते 2 से 3 बार स्नोफॉल हो चुका। वैसे वर्जीनिया में जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ इतनी स्नो नहीं गिरती, हाँ लेकिन ठंड काफ़ी हो जाती है इन दिनों। तो अगर किसी साल विंटर्स में यहाँ स्नो गिर भी जाए तो उन दिनों बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ मिल जाती है। तो इस पूरे हफ्ते बच्चों के स्कूल तो बंद ही रहे, लेकिन आज कई दिनों बाद इतनी अच्छी धूप देखकर मेरा मन किया कि आपके लिए एक प्यारा सा व्लॉग बनाया जाए और आज अपनी पूरी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इस बार थैंक्सगिविंग पर हमारे फ्रेंड्स आए थे हमसे मिलने न्यू जर्जी से, और उन्होंने मुझे ये प्यारा सा ट्रे का सेट गिफ्ट किया था जिसे मैं सोच रही थी कि अपने किचन आइलैंड पर अरेंज करके रख दूँ। घर में काफ़ी कुछ खाने की चीज़ें रखी हुई थी जो कि पैंट्री में अंदर रखे हुए ख़राब हो जाती, तो मैंने सोचा कि उन्हें जार्स में भरकर सामने आइलैंड पर ही रख दूँ। नज़र के सामने चीज़ें होगी तो बच्चे भी मंचिंग कर लेंगे जब भी उनका मन चाहे। वैसे आज का ये व्लॉग मैं बना रही हूँ सैटरडे के दिन। वीकेंड में हमारे दिन की शुरुआत थोड़े आराम से ही होती है और आज तो मुझे उठने में अराउंड 7:30 हो गए थे। बाकी घर में फ़िलहाल सारे सो रहे हैं, मैं अकेले ही उठी थी तो कोई ख़ास काम नहीं था मेरे पास करने के लिए। इसलिए रेडी होकर सबसे पहले मैंने इन कंटेनर्स को अरेंज किया, देन हरे धनिए की चटनी पीस कर फ़िलहाल मैं यहाँ बना रही हूँ हमारे लिए ब्रेकफास्ट। वैसे अगर आप मेरी तरह चीज़ वगैरह डालकर सैंडविच खाना पसंद करते हो तो अपने रेगुलर सैंडविच या सैलेड में एक बार फेटा चीज़ डालकर ज़रूर ट्राई करना। एक टेंजी फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा आपका सैंडविच। और थोड़ी देर में स्मैन भी सोकर उठ गया तो उसके लिए भी मैंने सैंडविच ही बना दिया। वैसे उसकी ये बात तो अच्छी है कि जो भी मैं अपने और संजय के लिए बनाती हूँ मोस्टली वो सारी चीज़ें आराम से खा लेता है, कुछ अलग से मुझे स्मैन के लिए नहीं बनाना पड़ता। वरना तो आयांश की पसंद खाने में हमसे बिल्कुल ही अलग है, सैंडविच तो वो नहीं खाएगा। फिलहाल तो आयांश अभी सोकर नहीं उठा है तो जो भी उसे खाना होगा उसके उठने के बाद मैं बना दूंगी। तो लिविंग रूम क्लीन करने के बाद मैंने स्मैन को रेडी कर दिया, फिलहाल वो नीचे टीवी देख रहा है। और आज मुझे अपने बच्चों के स्कूल में पहनने वाले कपड़ों को वॉश करना है, सो फिलहाल तो मैं करने जा रही हूँ अपनी लॉन्ड्री। मोस्टली मैं उनके हफ्ते भर के कपड़ों को वीकेंड पर ही वॉश कर क्लोजेट में अरेंज कर देती हूँ पूरे हफ्ते के लिए, क्योंकि यहाँ पब्लिक स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं होता, उन्हें कैजुअल कपड़े ही वेयर करना होता है स्कूल में। सो पूरे हफ्ते मुझे सोचना ना पड़े कि आज कौन से कपड़े पहनाकर उन्हें स्कूल भेजूँ, इसलिए वीकेंड पर ही बच्चों के कपड़े मैं क्लोजेट में अरेंज कर देती हूँ। आयांश को जिस दिन भी मौका मिल जाए देर तक सोने का, वो अपनी नींद पूरी किए बिना 11 बजे से पहले नहीं उठता। बस वो अभी सोकर उठा है तो उसके रेडी होने तक फिलहाल यहाँ मैं उसके डिमांड पर वॉफल बना रही हूँ, देन साथ ही मुझे करनी है अपने लंच की तैयारी। रात में ही मैंने अराउंड 2 कप छोले भिगा कर रखे थे तो फिलहाल लंच में आज छोले चावल और थोड़ी सी रोटियां बन जाएगी। बाकी आज तक जिसने भी मेरे हाथ के बने हुए छोले की सब्जी खाई है उन्होंने हमेशा तारीफ की है कि बहुत ही मज़े के छोले बनाती हूँ मैं, इसलिए आज अपने छोले की रेसिपी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक बार बनाकर ज़रूर देखना, बहुत ही मज़े के बनेंगे आपके छोले। तो सब्जी बनाने से पहले यहाँ मैंने चने को अच्छी तरह धोकर बॉयल होने के लिए धीमी आँच पर रख दिया, लेकिन चने बॉईल करने से पहले कुकर में चने के साथ थोड़ा तेज़पत्ता, 2 से 3 बड़ी इलायची और दालचीनी जैसे खड़े मसाले ऐड कर छोले को उबालने से आपके सब्जी में खड़े मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो कहाँ जा रहा है आपका बेबी? Camp for 5 days in a row. Really? Yeah. He can only eat sugar once a day, or else he'll turn everything pink. And if he does 2-3 sugars a day, he'll turn everything rainbow. Rainbow. ये बैग उसके अंदर नहीं आएगा बेटा। गुड्डू, वो हाथ में पकड़ लेगा वो बैग, आपके बेबी को दे दो। पानी लेकर आओ अपनी बेबी के लिए, वहां पर है, काउच के यहाँ पर रखा होगा। जा बेटा, बाय बाय। कहाँ है आपका कैंप? There's two different
अच्छा तो पहले कहाँ जा रहे हो? We're gonna stay two days in the basement and then three days in the living room. अच्छा बाय। अपने पहले किसी व्लॉग में मैंने आपको इंस्टेंट पॉट के अंदर इस तरह के बोल में चावल बनाकर दिखाया था, जिसके तरीके के बारे में आप में से कुछ लोग जानना चाहते हो। तो बोल के अंदर चावल बनाने से ना ही आपका पूरा पॉट खराब होगा और ना ही चावल पॉट के बॉटम में चिपकेंगे। इसी वजह से बोल में चावल बनाना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बस चावल बनाने के लिए आपको एक ऐसा बर्तन लेना है जो कि 1 से 2 कप चावल बनाने के लिए इनफ गहरा हो और बहुत ही आराम से आप उसे अपने इंस्टेंट पॉट के अंदर डाल या निकाल सके। वैसे मैंने ये बोल वॉलमार्ट से लिया है, बाकी इस तरह के बोल आपको आइकिया या टारगेट में आसानी से मिल जाएंगे। बस याद रखें स्टील का ही बर्तन हो। बाकी इसमें चावल बनाने के लिए आपको इस तरह का स्टैंड लगेगा। तो इंस्टेंट पॉट में चावल बनाने के लिए पहले चावल को अच्छी तरह धो ले। देन जितना आपने चावल लिया है आपको लेना है बर्तन में उसका दुगना पानी। देन बस इंस्टेंट पॉट के अंदर स्टैंड और 1 गिलास पानी डालकर चावल वाले बोल को स्टैंड के ऊपर रखें। अब बस पॉट को अच्छी तरह बंद कर हमें मैनुअल प्रेस करना है 2 मिनट के सेटिंग पर। पॉट के ऑन होने के बाद 20 से 30 मिनट में आपके चावल बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन पॉट को आप केवल 2 मिनट के सेटिंग पर ही रखना मैनुअल में। और जब इंस्टेंट पॉट अपने आप बंद हो जाए उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दे। बस आपके चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। I'm gonna be back. Do you know what the summer salt is? Mm-hmm. Do you know what the winter salt is? No. Summer salt. Okay. Winter salt. Seriously? What's that? Do you know how to do a winter salt now? Summer salt? So what's that? You have to be curled up and then winter time you have to go backwards. Summer is supposed to be the winter. There's also fall salt and spring salt. अच्छा कैसे करेगी वो? नीचे गिर जाओगे। समर विंटर स्प्रिंग स्प्रिंग फॉल गुड। आई डोंट नो हाउ टू प्ले सॉन्ग्स विद दिस थिंग। मम्मा को नहीं आता रिकॉर्डर बजाना? आपको सिखाएगी ना टीचर? उसके बाद आप मुझे सिखाना। व्हाइट वाला पिलो लेके आना वहां से। I want to help and make the decoration because I'm good at that. Where's the other pillow? यहाँ पे। If you want a bed like this, the first step is to play a flute. I have a flute, then play a trumpet. And if you don't have a trumpet, play the guitar. And if you don't have a guitar, play a piano. Or make some noise with your clappy hands. मम्मा ऐसे वर्क करती है राइट? या यू डू दिस एंड देन आफ्टर यू डन यू डू दिस एंड देन यू डू दिस। आजकल अपना ड्रायर में बहुत ही कम इस्तेमाल कर रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए, खासकर बच्चों के स्कूल में वेयर करने वाले कपड़े। मैंने नोटिस किया कि ड्रायर में कपड़े सुखाने की वजह से कपड़ों में काफ़ी लिंट निकल रहा है, जिससे उनकी क्वालिटी ख़राब हो रही थी। प्लस काफ़ी डल हो गए थे कपड़े 3 से 4 वॉश में ही, और कुछ कपड़े तो श्रिंक भी हो गए थे, खासकर बच्चों के विंटर वेयर। इसलिए अब जितना हो सके कपड़ों को वॉश करके उन्हें मैं स्टैंड में ही हैंग कर रही हूँ। सामने विंडो से जो धूप आ रही है उनसे कपड़े अच्छी तरह सूख जाते हैं 1 से 2 दिनों में। और जिस हिसाब से मुझे क्लोजेट में कपड़े हैंग करना है उसी हिसाब से कपड़े सुखाने के लिए मैं हैंगर यूज़ कर रही हूँ, ताकि कपड़े ड्राई होने के बाद उन्हें मैं डायरेक्ट क्लोजेट में हैंग कर दूँ। इससे मेरा काम भी आसान हो जाता है, प्लस कपड़े बिना प्रेस किए सीधे रहते हैं, उनमें सिलवटें नहीं आती इस तरह हैंगर में हैंग करके सुखाने से। जब तक लंच बनाने के लिए चने बॉयल हो रहे थे मैंने सोचा कि बेडरूम वगैरह क्लीन कर लूँ, साथ ही लॉन्ड्री भी हो गई थी, तो बस कपड़े ड्राई होने के लिए डालकर फिलहाल मैं आ गई हूँ किचन में। राइस ऑलरेडी बन गया है और रोटी बनाने के लिए आटा भी गूंथ कर मैंने रख दिया। और फिलहाल यहाँ मैं छोले बनाने के लिए कर रही हूँ मसाला तैयार। तो छोले की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। अब इन सबको बड़े आकार में कट करके तकरीबन इन्हें 1 से 1.5 चम्मच गर्म तेल में लाल होने तक भूनेंगे। और जब ये सारी सब्जियाँ अच्छी तरह भून गई स्टोव बंद कर मैंने इन्हें ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दिया। थोड़ा ठंडा होने के बाद इन्हें पीस कर छोले बनाने के लिए मसाला तैयार करेंगे।
लहसुन और प्याज को पीसकर मैंने उन्हें एक साइड में रख दिया। अब छोले बनाने के लिए हम करेंगे अपना मसाला तैयार। तो छोले बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 चम्मच गर्म तेल में पहले कुछ खड़े मसाले ऐड किए, देन तड़के में 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच अजवाइन ऐड कर उन्हें लाल होने तक भूने, और जैसे ही जीरा लाल हो जाए तड़के में पीसा हुआ प्याज और लहसुन डालकर उन्हें धीमी आंच पर हल्के ब्राउन होने तक 4 से 5 मिनट तक भूनना है अच्छी तरह। ध्यान रखें कि बिल्कुल भी कच्चेपन का स्वाद ना रह जाए मसाले में, इसलिए तेल अलग होने तक हम प्याज को भूनेंगे, और जैसे ही आपको प्याज से तेल अलग होता दिखाई दे तड़के में अपने मसाले ऐड कर ले। तो मसालों में यहाँ मैंने थोड़ी सी हींग, 1/2 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़े चम्मच एवरेस्ट का रॉयल गरम मसाला लिया है। अब इन सारे मसालों को धीमी आंच पर 30 सेकंड तक हमें भूनना है, साथ ही स्वाद अनुसार नमक डालें। और अब मसाले में हम डालेंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी। टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है छोले में, लहसुन और प्याज की ग्रेवी टमाटर की ग्रेवी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आएगा आपके छोले में ढाबे वाला स्वाद। और अब मसालों को तेल अलग होने तक अच्छी तरह भूने, हो सके तो ग्रेवी को आप ढककर भी पका सकते हो, इससे मसाले जल्दी तेल छोड़ देंगे। और अब मसाले भून गए हैं। अब जो चने मैंने उबाल कर रखे थे उन्हें मैंने मसालों में ऐड कर अच्छी तरह मिला लिया। अब ढककर चनों को धीमी आंच पर मसालों के साथ 4 से 5 मिनट के लिए पकने दे। छोले में अभी पानी हम ऐड नहीं करेंगे, मसाले में घुलने दे चने को, मसालों का सारा फ्लेवर चने में आने दो। देन 5 से 6 मिनट के बाद जितनी गाढ़ी ग्रेवी आपको रखनी है छोले की, उसके हिसाब से अपनी सब्जी में गर्म पानी ऐड करना। देन सब्जी को 10 मिनट ढककर और पकाएंगे। बस लीजिए, आपकी आसान लेकिन बहुत ही मज़े के छोले बनकर तैयार है। अगर आप चाहो तो हरा धनिया या कसूरी मेथी वगैरह ऐड कर सकते हो ऊपर से। सो छोले की सब्जी इस तरह से बनाकर एक बार ज़रूर देखना, और आपका जो भी फीडबैक हो शेयर ज़रूर करना मेरे साथ कमेंट के जरिए। अब मैं आपको चावल दिखाती हूँ निकाल कर इंस्टेंट पॉट से। सो आप देख सकते हो बिल्कुल भी पॉट अंदर से ख़राब नहीं हुआ है, बस आप ऐसे ही पॉट को सिर्फ पानी से धोकर नेक्स्ट यूज़ के लिए रख दे। साथ ही इस तरीके से चावल खिले हुए बनते हैं, और बर्तन के बॉटम में भी आपको चावल चिपके हुए नहीं मिलेंगे, ना ही इनके जलने का डर होता है। तो बस लंच में आज मैंने बनाया है छोले, चावल, रोटी और सलाद। अब मैं आपको मिलूंगी लंच के बाद। Actually sticked. Nice. They don't fall off. And then we have a house. Little people, so it fits the door and doesn't be too big. They can't even go inside their house. And then we have some very, very small fish. Look how small that piece of fish is. I also might have forgotten it because of how small it is. And if you're wondering what all of these little things are, treasure. All of these little things are treasured. You see these little colorful things on the roof? That's treasure. Are they valuable? Yeah. $100,000, $100 million, $1 million, $100,000, $100,000, $100,000, $100,000. And all of those are converted in dollars. Hey, you're rich! And actually, the whole tribe shares it. Right now, I can only see 2 people. But there's a whole tribe. This whole tribe shares. So they are like billionaires, right? No. Huh. Actually, they're not billionaires. They're millionaires. This is only $1 million. While this one is $500,000. That's $2 million. $2 million. $2 million. $400,000. That's close to $1 million. They're not billionaires. They're way far above behind from billionaires. Yeah, you're except right. If they dig up that thing, they're finding all of 1,000 of these, which makes them billionaires. My like Yes. The D I A V Dill. Very good. आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आपको आज का ये प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ,
जिसके कुछ रीजंस हैं जो कि मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आगे से मैं चाहती हूं कि अपने चैनल पर कम से कम एक व्लॉग मैं हर हफ्ते आपके लिए लेकर आऊं। फिलहाल उस पर काम भी कर रही हूं, तो प्लीज़ मुझे एक मौका और दे। और किस तरह की वीडियो आगे आप मेरे चैनल पर देखना चाहोगे कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। आपसे मुलाकात होगी अब अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना।